सीमांचल के युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। उद्योगों में 70% हिमाचलियों को नौकरी के मसले को गंभीरता से पूरा किया जाएगा और पहली कैबिनेट बैठक में 1,00,000 सरकारी व प्राइवेट नौकरी देने को लेकर एक कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। यह बात मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने कही। वही मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने सोलन में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि ड्रग डिपार्टमेंट में काफी समय से कुंडली मार कर बैठे अधिकारियों को जल्द बदला जाएगा और जो धांधली चल रही है उसे शीघ्र बंद करवाया जाएगा। ऐसा कि बद्दी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एशिया के मैप पे बद्दी का नाम है, तो वहाँ पे जो कमियाँ हैं उनको भी ये गवर्नमेंट दूर करेगी। मेनली एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, लॉ के जो लेबर लॉज जो हैं उनमें, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो आज कल में उसकी मीटिंग करके जो है लेबर लॉज में अमेंडमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी लाने वाले हैं। और बद्दी में जो प्लेसमेंट की दुकानें खुली हैं उनको शीघ्र ही हम लोग बंद करेंगे और इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्शन जाएगी कि भी आप सीधे तौर पर भर्ती नहीं करेंगे, भर्ती जो है उसका जो उनको रिक्वायरमेंट है वो हमारे डिपार्टमेंट्स को जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हम लोग चाहेंगे कि भर्ती करें ताकि हमारे हिमाचली रोजगार बेरोजगार लोगों को जो है वो रोज़गार मिले। 70% का आंकड़ा है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा और पहले केवल लेबर्स में हमें हमारे हिमाचलियों को लाया जाता था, तो मैंने माननीय मंत्री जी इनके पास लेबर डिपार्टमेंट भी है, मैंने इनसे भी चर्चा की है कि अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारा जो मैनेजरियल स्टाफ है उसमें भी हमारे हिमाचलियों को जो है भागीदारी उनकी हो। जैसे MBA हमारे पास लोग हैं, BTech हैं, MTech हैं, तो उन सब बच्चों की भर्ती जो है हमारे इंडस्ट्री एरिया में हो। अभी हमारी फर्स्ट कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियों का जो सेंक्शन हमने की है उसमें दोनों सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्शन भी है और प्राइवेट सेक्शन भी है। इस पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये चीज़ है, इस पे कुछ फेरबदल जो है उसमें होने वाला है। जो बहुत समय से अधिकारी वहाँ कुंडली मार के बैठे हैं उन अधिकारियों को शीघ्र ही वहाँ से हटाया जाएगा और ये जो धांधली चली हुई है इसको शीघ्र जो है प्रदेश सरकार कंट्रोल करेगी, क्योंकि माननीय हमारे मंत्री जी जो हेल्थ के हैं वो भी हमारे ज़िला के हैं, सीनियर हैं, उनके भी ध्यान में ये चीज़ मैं ला रहा हूँ और एक नोट जो है बना के गवर्नमेंट को जाएगा ताकि इन सब चीजों का सुधार किया जा सके। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।